वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अरण्य कांड में अब तक आपने सुना खर का वक्ष विदीर्ण हो गया। सवा घंटे में राम ने 14,000 राक्षसों को अकेले मार डाला। दंडकारण्य से राक्षसों की सत्ता सदा के लिए उठ गई। अब आगे अरण्यकांड भाग 5। शूर्पणखा रोती बिलखती लंका की ओर भागी और उस भाई की शरण में गई जो अपने बल वैभव के लिए तीनों लोकों में विख्यात था, जिसके शरीर पर सैकड़ों युद्ध चिन्ह थे, जिसने अनेक बार देवताओं का मान मर्दन किया था। उसी महाशक्तिशाली राक्षस राज रावण के समक्ष जाकर शूर्पणखा अमर्ष से बोली, अरे रावण, तेरे बल पराक्रम को धिक्कार है, देख तेरे रहते एक मनुष्य ने मेरी कैसी दुर्गति कर डाली। तुझे पता ना होगा कि राम नामक एक आदमी ने तेरे जन्मस्थान वासी भाई बंधुओं को मारकर ऋषियों को स्वराज्य दे दिया है। मेरी नाक के साथ तेरी भी नाक कट गई। छी, तू अब कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रावण। रावण बड़े दर्प से बोला, बता बता शूर्पणखा, किसने तेरा अंग भंग किया? किसने मेरे अनुचरों को मारा? कौन है वो राम? दंडक वन में क्यों आया है? शूर्पणखा ने कहा, भैया, राम अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा है। उसके पिता ने उसे राज्य से निकाल दिया है। वह बड़ा बलवान और रणकुशल धनुर्धर है। उसी ने मेरे नाक कान कटवाए हैं। भैया, खर दूषण तथा समस्त राक्षसों को मारकर उसने दंडकारण्य पे अधिकार कर लिया है। उसके साथ उसका शूरवीर भाई लक्ष्मण भी है। और सुनो, राम अपने साथ अपनी अनुपम रूपवती स्त्री सीता को भी लेके आया है। वह विश्व सुंदरी तुम्हारे योग्य है भैया। मैं उसको तुम्हारे लिए ही लाना चाहती थी। बस इतनी सी बात पर दुष्ट लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। भैया, उस रमणी को हाथ से न जाने दो। उसे प्राप्त करना चाहते हो तो कार्य सिद्धि के लिए अभी दाहिना पैर उठाओ। शत्रु ने तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हें चुनौती दी है भैया। तुम उसकी भार्या का अपहरण करके अपनी सामर्थ्य प्रकट करो। रावण ने शूर्पणखा की बातों से उत्तेजित होकर तुरंत अपना आकाशगामी यान मंगवाया। उस पर चढ़कर वह अकेला समुद्र के पार पहुंचा। समुद्र के किनारे एक आश्रम में ताड़ का पुत्र मारीच मुनि बनकर रहता था। रावण उसके पास गया। मारीच ने राक्षस राज का यथोचित सत्कार करके उसके पधारने का प्रयोजन पूछा। रावण बोला, मारीच, मैं एक आवश्यक कार्यवश आया हूं। उसे बहुत ध्यान से सुनो। कुछ दिनों से दंडकारण्य में राम नाम का एक उद्यमी और चरित्रहीन मनुष्य अपनी स्त्री और भाई के साथ आकर बस गया है। उसके पिता अयोध्यापति दशरथ ने उसे घर और राज्य से निर्वासित कर दिया है। उस अधम ने इधर आकर एक तो अनायास मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले, दूसरे मेरे सीमा रक्षकों को मारकर सारे दंडकारण्य पर अधिकार जमा लिया है। जन स्थान में अब राक्षसों का अधिपत्य नहीं रहा। मैं उसकी सुंदर स्त्री का अपहरण करके इसका बदला लूंगा, और यह कार्य तुम्हारे जैसे मायावी की सहायता से ही हो सकता है। अतः तुम शीघ्र कपट वेश बनाकर राम सीता के समक्ष जाओ। रावण ने एक सांस में ही यह सब कह डाला। राम का नाम सुनते ही मारीच को आप बीती घटना याद आ गई। उसका मुंह सूख गया। कुछ सोच विचार कर वह बोला, राजन, सदा मीठी मीठी बातें करने वाले तो बहुत मिलते हैं, किंतु सुनने में अप्रिय और परिणाम में हितकर वचन कहने सुनने वाले विरले ही होते हैं। आपके कल्याण के लिए मैं एक अप्रिय किंतु सच्ची बात कहता हूँ। वह यह कि कभी भूल कर भी राम से बैर मोल लेने का दुस्साहस न कीजिएगा। वह आपको तथा आपके सारे राज्य को समूल नष्ट करने में समर्थ है महाराज। मैं उसके बल पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ।
इसके बाद मारीच रावण को अपना कटु अनुभव सुनाकर बोला, महाराज तब से मैं यदि स्वप्न में भी राम को देखता हूँ तो डर के मारे मूर्छित हो जाता हूँ। अब तो मैं राम के भय से तपस्वी बन गया हूँ, अतः आपका हित कैसे करूँ? अन्य दृष्टियों से भी मुझे आपका प्रस्ताव अच्छा नहीं जान पड़ता। राम साक्षात धर्म मूर्ति हैं, अतएव आपको भी उनका आदर करना चाहिए। उनकी स्त्री का अपहरण आपके लिए कलंक की बात होगी महाराज। आप राजा होकर कुमार्ग पर पैर ना रखिए। इसी में हमारा, आपका और सारी राक्षस जाति का कल्याण है। मारीच का व्याख्यान रावण को प्रिय नहीं लगा। वह क्रुद्ध होकर बोला, मारीच तू मेरी अवज्ञा कर रहा है। राम ने मेरे भाई बहनों पर जो अत्याचार किया है उसका बदला मैं अवश्य लूंगा। यह याद रख कि राम बाण से तो शायद तू बच भी जाए, लेकिन यदि मेरी बात ना मानेगा तो मैं अभी तुझे मार डालूंगा। मारीच को विवश होकर रावण की बात माननी ही पड़ी। वह दोनों गगनयामी यान में पंचवटी पहुंचे। वहां मायावी मारीच अति सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण करके आगे गया और राम आश्रम के आसपास चरने विचरने लगा। सीता उस समय बाहर फूल चुन रही थी। उन्होंने उस विचित्र मृग को देखा। उसका शरीर तपाए हुए स्वर्ण की भांति दमक रहा था। उसमें विविध रंग के मणि रत्न जड़े थे। उस माया मृग पर सीता मोहित हो गईं। उन्होंने राम लक्ष्मण को भी बुलाकर उसे दिखाया। उनके लिए भी वह एक अद्भुत वस्तु थी। सीता ने राम को उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम को उस विषय में कुछ संदेह तो हुआ, लेकिन वे भी धोखे में आ गए और लक्ष्मण को सीता की रखवाली का भार सौंपकर स्वयं धनुष बाण लेकर मृग के पीछे गए। कपट वेशधारी मारीच एक ओर को भागा और बार बार लुकता छिपता दूर निकल गया। राम ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। अंत में उन्होंने एक शुभ धोकर एक घातक बाण मारा। उसके लगते ही कपट मृग भूमि पर गिर पड़ा। उसका असली रूप प्रकट हो गया। वह तत्काल राम के स्वर का अनुकरण करके चिल्लाया, हा सीता लक्ष्मण मैं मारा गया। इसके बाद ही वह छटपटाकर मर गया। राम अत्यंत शंकित होकर वेग से कुटी की ओर लौटे। इधर सीता उस पुकार को सुनते ही व्याकुल हो गई और लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण तुमने भाई का आर्तनाद सुना? निश्चय ही वे किसी महान संकट में पड़ गए हैं। तुम उनकी रक्षा के लिए तुरंत जाओ। उन्होंने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, देवी आप चिंता ना करें, आर्य राम आत्म रक्षा में स्वयं समर्थ हैं। अभी जो पुकार सुनाई पड़ी है वह बनावटी जान पड़ती है। इधर खर दूषण आदि के वध के बाद राक्षसों से हमारा वैर बंध गया है। वे लोग हमसे बदला लेने के लिए भांति भांति के छल कपट कर सकते हैं, अतः हमें सावधान रहना चाहिए। सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। अनेक प्रयासों के बाद भी लक्ष्मण राम के पीछे नहीं गए। अंत में सीता ने लक्ष्मण को राम के प्राणों की रक्षा का वचन देते हुए उन्हें वहां से तुरंत जाने का आदेश दिया। लक्ष्मण विवश होकर राम की खोज में चले गए। अभी आपने सुना अरण्यकांड भाग 5। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।